सरकार का कोई भी कार्यक्रम चलता है तो सबसे पहले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है और अवेयरनेस सबसे पहले युवाओं में फैलाया जाता है। इसका मूल कारण है कि युवा ऊर्जावान होते हैं, उनके सोचने समझने की शक्ति भरपूर होती है और वो जो करते हैं उसके पीछे पीछे दुनिया चलती है। सुरक्षा की बात चली है, सड़क सुरक्षा की बात चली है, तो मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में 12 घंटा हमारा सड़क पर ही बीतता है। जहां भी रहें सुरक्षित रहें। और सड़क सुरक्षा की बात इसलिए की जा रही है कि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई साइकिल से आता है, कोई पैदल आता है, तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए हमेशा बताई जाती है। बच्चे जब वन में होते हैं नर्सरी से ही ये बातें बताई जाती है कि सड़क के बाईं ओर चलें। विद्यालय प्रबंधन इसमें सहभागिता अपने दर्शा रहा और आप लोग भी इसमें सहभागी हैं और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप लोग इतना समय देंगे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। सो आई एडवाइस यू एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ऑल्सो, यू मस्ट ट्राई द रूल ऑफ ट्रैफिक। इफ़ यू आर गोइंग एनी वेयर ऑलवेज कीप योर लेफ्ट साइड एंड नेवर बी रॉन्ग एंड नेवर बी अनसेफ्टी। सभी लोग इसका अपना जीवन में आज के बाद से अनुपालन करके इसे सफल बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात तो यह है कि जीवन बहुमूल्य है, और कार्यक्रम आगे बढ़ाते वक्त हम अपने निदेशक महोदय को आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पे आए और जो शपथ कार्यक्रम है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सभी अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करेंगे। सर जो बोलेंगे, जो रिपीट करेंगे, जैसे बोले मैं शपथ लेता हूँ, तो आप लोग भी उसके साथ उनके कहने के बाद आप उस चीज़ को दोहराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं शपथ की बातें जो बोलेंगे उसको आपको दोहराना है इनके बाद, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हमारे निदेशक महोदय का स्वागत किया जाए। अगर नियम पालन किया जाए तो किसी को नुकसान कुछ भी नहीं होगा और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को नियम का पालन करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं अपने लिए। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे घर के लोग, हमारे फैमिली के लोग, हम चाहे आप सुरक्षित रहेंगे, जीवन भर कोई कष्ट नहीं आएगा। देखते हैं कि रोड पे बहुत सारा तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, लोग इधर उधर चलते हैं, कोई अपने साइड में नहीं चलता है, उसके चलते एक्सीडेंट हो जाता है। उससे नुकसान किसको होता है? हम लोगों को। इसलिए ये ध्यान में रहे कि हम जब भी चलें अपने साइड में चलें। मेरे अपने दिमाग में ये बात रहे कि हम ये कभी गलती नहीं करें जिसे हमारी नुकसान हो। सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन कराऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों का पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। धन्यवाद आपको लिए, आप लोगों के लिए। ये मत सोचिए कि कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, उससे सिर्फ आपको फायदा होगा, ठीक है। हम और गलती करें तो हमको नुकसान होगा।